आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। इसमें जो है सबसे स्टार्टिंग में है बाइनरी कोडेड। इसको जो है आपको, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि इसको जो है इट कैन बी रिटेन आइदर 0 और 1। आपको ऐसा समझाएं कि अगर ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, ये आपका, और ये अगर सिस्टम से ये आपका बल्ब हो गया और ये आपकी स्विच है। अगर ये इस कंडीशन में है तो इसको कहेंगे ऑफ, तो ये सो क्या करेगा, 0। और ये आपका होगा 0। और अगर सेम यही बल्ब है और ये अगर स्विच जो है अगर इस कंडीशन में है, ये इससे अटैच हो गया, तो सेम वही, तो इसको ऑन कहेंगे। फिलामेंट बना देता हूँ, ये जो है ऑन हो गया, तो इसका जो आउटपुट है वो हुआ 1। तो यही चीज़ इसमें शो होती है, आइदर 0 और 1। तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है उसमें बाइनरी यूज ना हो करके हेक्सा डेसिमल का यूज होता है। तो आइए इसको आपको हम समझाते हैं कि इसमें क्या क्या सिस्टम होते हैं। तो लिख लीजिए नंबर सिस्टम। तो इसमें पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि 0 और 1 होता है। इसका जो बेस है वो 2 होता है, और आपका ऑक्टल इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। सिमिलरली जो कि हम लोग यूज़ करते हैं उसको डेसिमल कहते हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका जो बेस होता है वो होता है 10। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल इसी का यूज़ होता है अपने मशीन लैंग्वेज में। तो इसमें 0 to 9 एज इट इज रखते हैं, और 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसके लिए आपका इसके जगह ए बी सी डी ई का ई एंड एफ का
यूज होता है, मतलब उसके बाद आएगा नाइन के बाद होगा ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 16, नाइन वन टेन और फाइव इधर, तो सिक्स इधर, तो ये हुआ 16। तो ये आपका रहा, ये जो है इतने नंबर सिस्टम होते हैं और हम लोग इस सिस्टम का इसमें यूज करते हैं। और हेक्सा डेसिमल का सबसे अच्छा ये होता है कि इसमें नंबर और आपके नंबर के साथ एक वर्ड जो है आता है, तो वो लिखना इजी होता है, इसीलिए हेक्सा डेसिमल का यूज होता है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन टू डेसिमल, कन्वर्जन टू डेसिमल। ये इन जनरल फॉर्म है, अगर आपको मान लीजिए कोई भी यहाँ पे बेस है, एनी यहाँ लिख लीजिए एनी बेस, अगर हमको उसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इन जनरल फॉर्मेट है, वो होगा एन इक्वल टू। आगे जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, ए बी एन प्लस ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन प्लस 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 ए वन बी वन प्लस ए ज़ीरो बी ज़ीरो। तो इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको क्या कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये उसके हिसाब से डिसाइड होता है, इसकी वैल्यू के हिसाब से, तो इसकी सबसे कम होती है इसीलिए इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट कहा जाता है, और इसकी जो है सबसे हाई होती है इसीलिए इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। अब ये एग्जांपल आपको हम समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हो, कन्वर्ट वन ट्रिपल ज़ीरो वन वन, ये आपका है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जो है इसको करना है, इसके लिए लिख लीजिए वन ज़ीरो 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 वन वन, इसको ऐसे आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद इस साइड से काउंटिंग करिए ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, और जो ये वाला बेस है उसके ऊपर लगाइए इसी पावर को, ये अब पावर के फॉर्म में आ जाएगा, तो टू का पावर ज़ीरो, टू का पावर वन, टू का पावर टू, टू का पावर थ्री, टू का पावर फोर एंड टू का पावर फाइव। अब आप इसको ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू का पावर ज़ीरो, तो कोई भी अगर फंक्शन है अगर उसका पावर ज़ीरो है तो वो होता है वन, तो ये हो जाएगा आपका टू, ये आपका हो जाएगा फोर, ये आपका हो जाएगा एट, ये आपका हो जाएगा
16 और ये आपका हो जाएगा 32, ये आपका 32 हो जाएगा। अब ये वाला जो है इससे होगा मल्टीप्लाई, ये इससे होगा, तो ये इससे होके 1 × 1 होगा 1, हाँ जी, तो ये होगा 1 × 1, ये वाला इससे होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2। अब ये 0 0 0, तो 0 0 and 0, तो ये भी 0 0 and 0, और ये 32 इससे होगा मल्टीप्लाई, तो 32 × 1 = 32 हुआ, तो 32 34, तो ये जो है इज इक्वल टू 32। अब सबको ऐड कर लीजिए, तो 2 + 1 = 35, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 35, ये हुआ आपका। तो ये बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल हुआ। अगर यहीं पे इसी समय ही आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर यही बेस आपका ऑक्टल होता तो यहाँ पे अगर 8 होता तो ये जो है 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 ऐसा हो जाता। और अगर यही अगर आपका अगर हेक्सा डेसिमल में होता तो यहाँ पे 16 ऐसा हो जाता। तो हम आगे इसको और आपको समझाएंगे, तो आइए नेक्स्ट है। अगला है एनी बेस टू डेसिमल, तो आपको जैसे अगर 35 की पावर 10, मतलब ये 10 के बेस में है, ये डेसिमल के बेस में है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो ये काफ़ी सिंपल होता है, आप लोग को आता होगा ये, आपको फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ये आप इसको जो है 35 इधर लिखेंगे और जो भी में आपको कन्वर्ट करना है उससे आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, ये आपका रिमाइंडर जो भी आएगा उसको लिखेंगे। तो आइए, तो अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर होगा 1, 2 8 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर होगा 1, 2 जो है 4 टाइम्स जाएगा रिमाइंडर होगा 0, 2 जो है 2 टाइम जाएगा रिमाइंडर होगा 0, 2 जो है 1 टाइम जाएगा रिमाइंडर होगा 0। अब ये करने के बाद आप जो है यहाँ से स्टार्ट करिए और ये ऐसे, मतलब इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए क्या हुआ 1, इसको लिखिए 0, इसको लिखिए 0, इसको लिखिए 0, इसको लिखिए 1 1, तो ये जो है आपका हो गया कन्वर्जन, तो 1
आई थिंक ये सब आप लोगों ने किया होगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब सिमिलरली अगर हमको जो है कन्वर्ट करना है ये हो गया, अब अगर हमको जो है 385 लिखा हुआ है, ये आपका डेसिमल में है, और इसको हमको जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको समझाया था कि ये जो है इसी से आपका डिवाइड होगा, तो लिख लीजिए 385 और रिमाइंडर। तो ये क्या होगा, ये 8 4 32 और क्या होगा, ये जाएगा 64 तो रिमाइंडर आया वन। अब 86 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो अब इसको आपको लिखना है, तो कहाँ से हमने आपको बताया था 60 फिर ये 1, तो 601 ये हो गया कन्वर्जन। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब अगला इसी पे आपको लिख देता हूँ, अगला अब ये मान लीजिए 16 हो गया। अब 16 हो गया, ये आपको मान लीजिए है 382, तो ये आप इसको अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 जो है 16 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 382, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे रिमाइंडर। तो क्या होगा 6 2 32 और 6 क्या, तो ये हो गया 23, ठीक है। अब 6 और ये 1 टाइम्स जाएगा और हाँ रिमाइंडर होगा 14, और ये 1 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर होगा 7, ठीक है। तो ये 14 क्या लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे इधर, इधर हम लोगों ने लिखा था आपका जो ए होता है वो 10 होता है, 11 12 13 14, तो बी सी डी और ये हुआ ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई, तो क्या हो जाएगा ये फिर ये फिर ये, इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 17 ई ये हुआ आपका इसमें कन्वर्जन। तो ये कोई भी आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कभी कभार आया है तो उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्या होगा, और अब आप लोगों को जो है अब हम सिखाते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये इजी होता है,
ये भी आप लोगों ने किया होगा। तो इसमें आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझा देंगे। 100110 10 ये है 2 और इसको कन्वर्ट करना है 16 में। तो आप लोग इसको ऐसा करिए, ये हुआ 100110 10। तो इसमें ये रूल है कि लेफ्ट साइड से आप जो है कॉम्बिनेशन करेंगे चार चार का, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इसका चार चार का कॉम्बिनेशन आप लोग करेंगे और इसको जो है आप कन्वर्ट करेंगे और उसका रिस्पेक्टिव हेक्साडेसिमल कोड लिखेंगे। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। तो ये आपका हुआ 1 2 3 4 हुआ, तो ये हुआ नहीं 0 1 2 3 तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। अब जो हमने आपको समझाया था कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप उसका हेक्सा डेसिमल लिख लीजिएगा, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 4 और ये हुआ 8। तो ये जो है 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, 2 का 1 से होगा तो 2 हो जाएगा, 4 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 8 का 1 से होगा तो 1 होगा, 8 × 2 हो गया 10। तो 10 क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, तो ये हो ये जो है इतने का कॉम्बिनेशन हो जाएगा A। आया समझ में। सिमिलरली इसको लिखना है, तो ये आपको अलग से मैं समझाता हूँ। 1 0 0 1, तो ये हो गया 0 1 2 3, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो चूंकि ये और ये तो 0 है तो इसको लिखने से तो कुछ हुआ नहीं मतलब, तो ये हुआ 1, ये हुआ 8, तो ये इससे हुआ मल्टीप्लाई, तो 1 + 8 × 1 हो गया 9। तो क्या हो गया 9 और ये A, ये हो ये आपका कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। अगर इसी की जगह ऑक्टल है, अब आप लोग हमसे ये पूछेंगे कि सर इसमें 4 का पेयर क्यों हुआ, तो वो इसलिए है कि इसका जो बेस है वो है 16, तो 16 को आप 2 का पावर 4 कर सकते हो, तो इसीलिए इसको जो है 4 का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अगर ये बाइनरी टू ऑक्टल हुआ तो ऑक्टल का क्या है बेस, आपका 8 है, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो यहाँ पे लेफ्ट से 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे पेयर। तो अब आप मान लीजिए ये आपका था मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये आप एक एग्जांपल आप इसको मान लीजिए, तो 3 3 का कॉम्बिनेशन 1 3 3 3 और ये 3, तो यहाँ पे आप 0 लगा लीजिएगा। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये होगा 2 का
पावर जीरो टू का पावर, अब चूंकि जीरो है तो इसको हटा दीजिए सीधे, टू का, चलिए ठीक है, टू का पावर वन, टू का पावर टू, तो ये हो गया वन ज़ीरो ज़ीरो। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका जो सम होगा वो होगा वन होगा, सिमिलरली इसका भी वन होगा, और सिमिलरली इसका भी वन होगा, और इसका जो होगा वो हो जाएगा टू, तो आपका ये हो जाएगा टू वन वन। तो ये जो आपका कन्वर्ट होके आएगा वो होगा टू वन वन वन, ठीक है। अब आपका ये मान लीजिए हो तो गया, ठीक है, ओके। तो अब एक चीज और है कि हेक्सा डेसिमल क्या होता है, तो आइए उसके बारे में कुछ लिखा देते हैं कि क्या उसका एडवांटेज है। हेक्सा डेसिमल तो इसका आप लोग लिखिए, इट फैसिलिटेट्स मच शॉर्टर, ये हमने आपको समझाया था कि इसमें क्या रहता है, एक वर्ड आ जाता है, एक नंबर होता है, तो इसको हम काफ़ी शॉर्टर तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एस कंपेयर टू अदर बेसिस, जो अदर होते हैं बेस टू और एट उन टेन, उनके कंपेरिजन में हम इसको इजीली लिख सकते हैं, विच इज फाई इट इज यूज्ड हैवली इन माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। तो ये रीजन होता है जो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।